हेलो एवरीवन एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आप सभी को DMC दतिया मेडिकल कॉलेज का एक छोटा सा व्यू दिखाएंगे। और छोटा सा व्यू इसलिए दिखाएंगे क्योंकि हम संडे को गए थे और संडे को मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉलीडे की वजह से क्लोज था और बिना डीन की परमिशन के हम अंदर नहीं जा सकते थे। तो इस वीडियो में हम आप सभी को दतिया मेडिकल कॉलेज का मेन गेट का व्यू दिखाएंगे और लोकेशन भी बताएंगे। तो जिन बच्चों को भी ये दतिया मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया से अलॉट हो चुका है या फिर जिन बच्चों को भी ये दतिया मेडिकल कॉलेज MP स्टेट की तरफ से अलॉट होने वाला है, वो हमारे इस वीडियो में अपने दतिया मेडिकल कॉलेज की लोकेशन को और अपने मेडिकल कॉलेज को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं DMC दतिया मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले इस दतिया मेडिकल कॉलेज की लोकेशन बताएंगे। तो ये जो दतिया मेडिकल कॉलेज है, ये रोड पर ही है। तो अगर आप एडमिशन के लिए आना चाहेंगे तो ये रोड पर ही है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। और ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये ग्वालियर और झांसी रोड के बीच में ही है। तो अगर आप ग्वालियर रोड से आएंगे तो आपको ये लेफ़्ट साइड में ऑन द रोड मिलेगा, और अगर आप झांसी रोड से आएंगे तो ये आपको राइट साइड ऑन द रोड देखने को मिल जाएगा। तो ये ईज़िली आप एडमिशन के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और अब चलते हैं कॉलेज के रोड पर। तो ये जो कॉलेज है, ये हाईवे रोड पर है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक रोड अलग गया है सिंगल रोड कॉलेज की तरफ। तो ये हम एंट्रेंस गेट से व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये जो DMC दतिया है, दतिया मेडिकल कॉलेज, ये नया मेडिकल कॉलेज है और ये 2018 में इस्टेब्लिश हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। और इस मेडिकल कॉलेज में भी सिलेक्शन नीट क्वालिफाई करने के बाद ही होगा, चाहे ऑल इंडिया से सिलेक्शन हो या फिर स्टेट MP से सिलेक्शन हो। और इस मेडिकल कॉलेज में भी 120 सीट्स हैं MBBS के लिए। और फीस स्ट्रक्चर बाकी MP के हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरह से इस मेडिकल कॉलेज का भी सेम ही है। और इस मेडिकल कॉलेज के कैंप में भी गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो MP गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। तो फ़िलहाल अभी हम दतिया मेडिकल कॉलेज के कैंप का पूरा टूर आप सभी को नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे दोबारा दतिया मेडिकल कॉलेज आने की और डीन की परमिशन लेकर कैंप का फुल टूर करवाने की कोशिश हम आप सभी के लिए ज़रूर करेंगे। तो अपने इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।